आज हम जो गिरिपार समिति के जो पदाधिकारी आपके मीडिया के माध्यम से कुछ बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मामले को बड़े अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। और हम लोग जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नीचे रेणुका और सिलाई में बोला कि इनकी बातों का भी ध्यान रखा जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब हमारी बातों का ध्यान रखेंगे और अधिकारों की सुरक्षा भी करेंगे। और परंतु ये बोल करके ही नहीं होगा, जब तक राज्य और केंद्र सरकार लिखित रूप में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की 40% आबादी विश्वास नहीं रख सकती, क्योंकि ये जो राजनीतिक स्टेटमेंट होती है ये एक खेल होता है शतरंज की तरह लोगों को बहलाने के लिए। परंतु अब गिरिपार के लोग जाग चुके हैं, पर अनुसूचित जाति के लोग तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब लिखित में राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी न करे। हम लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा है, दिल्ली में भी सौंपा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सौंपा। अगर बढ़िया कोई प्रतिक्रिया नहीं आती और हमारे फेवर में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलती, 68 की 68 विधानसभा में हम जन जागरण अभियान चलाएंगे और अनुसूचित जाति के लोग गिरिपार समिति के समर्थन में हमारे जो नुकसान हो रहे उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करेंगे।